आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी पिछली कुछ वीडियो से बिजनेस स्टडी को कर रहे हैं, तो जो ये मेरी आज की वीडियो है ये भी बिजनेस स्टडी पर ही है। और जो टॉपिक है या चैप्टर है, क्योंकि आज पूरा टॉपिक ही चैप्टर है, तो वो उस चैप्टर का नाम उपभोक्ता संरक्षण है। ये जो सेकेंड बुक है हमारी भाग दो, उसका आखिरी टॉपिक है, चैप्टर है। हमने इससे पहले के सारे जो चैप्टर्स थे वो पूरे कर लिए हैं, चाहे व्यावसायिक वित्त हो, वित्तीय बाजार हो या विपणन हो। और तो चौथा जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें बसता है वो उपभोक्ता संरक्षण है, जो कहीं ना कहीं हमारे पेपर में 5 मार्क्स के आसपास आता है। तो ये जो वीडियो है आज की, ये इन्हीं 5 नंबर को कन्फर्म करने के लिए है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो को शुरू करने से पहले, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपके पास समय पर वीडियो पहुंचती रहे और हम अपने 95% के टारगेट को आसानी से पा सकें। तो चलिए उपभोक्ता संरक्षण के ऊपर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि उपभोक्ता क्या होता है। नॉर्मल सेंस में हम जानते हैं, बस यहाँ पर हमें जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, जो इस चैप्टर का भी एक तरीके से नाम है, तो उस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 का है, उसके अनुसार उपभोक्ता किसे कहते हैं ये समझना जरूरी है। तो उसमें यह है कि वो व्यक्ति जो प्रतिफल, मतलब कि अमाउंट पे कर कर कोई भी माल अगर खरीदता है, हो सकता है कि उसने भुगतान कर दिया हो या भुगतान का वचन दिया हो, अभी भुगतान ना किया हो, सिर्फ वचन ही दिया हो, या हो सकता है आंशिक भुगतान कर रखा हो और आंशिक भुगतान का वादा कर रखा हो, या हो सकता है कि वो अस्थगित या विलंबित भुगतान विधि, जिसको हम EMI ऑप्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें हम धीरे धीरे पैसे देते हैं, उसके थ्रू पेमेंट करने का वचन दे रखा हो, ठीक है। तो वो सब केसेस, मतलब कि पेमेंट की कंडीशन कोई भी हो, जिस व्यक्ति ने प्रतिफल के बदले वस्तु को खरीदा है उसको उपभोक्ता माना जाता है। साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि उपभोक्ता, मतलब खरीदने वाला कोई और होता है पर उसका उपभोग उस व्यक्ति की परमिशन से कोई और करता है, तो उसको भी हम उपभोक्ता ही मानते हैं। पर उसको उपभोक्ता नहीं मानेंगे जिसने व्यापार करने के लिए वस्तु को खरीदा है। तो जो जो बिजनेस करना चाहता है उस वस्तु को खरीद कर, वो उपभोक्ता नहीं होता। उपभोक्ता का मतलब है जो उसका उपभोग करे, तो उसका फाइनल यूज होना चाहिए, उसी को हम उपभोक्ता कहेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, यहाँ तो वस्तु थी, अब बात आती है कि वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले किन्हीं सेवाओं को भाड़े पर प्राप्त करता है या उपयोग करता है। तो कई चीजें ऐसी हैं, जैसे हम ट्रांसपोर्ट में कोई गाड़ी को यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ हम उसका रेंट दे रहे हैं, ठीक है, हमने वो गाड़ी खरीद नहीं ली, इसीलिए भाड़े पर प्राप्त करना लिखा है। या हम किसी भी सेवा को, जैसे हम मकान खरीदते हैं, रेंट देते हैं, तो हम उसका उपयोग भी कर रहे होते हैं उस एक मकान का, तो वहां उपयोग होता है, यहाँ पर उसको भाड़े पर प्राप्त हम करते हैं। तो अगर सेवाओं को हमने इस रूप में भी जो है उपयोग किया है या भाड़े पर लिया है, पैसे देकर प्रतिफल के बदले, ठीक है, हो सकता है वो सेवा वो व्यक्ति खुद कर रहा हो यूज, या उसके व्यक्ति के कहने पर या उसके परमिशन पर कोई और यूज कर रहा हो, तो उसको भी हम उपभोक्ता ही कहेंगे। भुगतान के बारे में वही सारी ऊपर की कंडीशन है, या तो भुगतान कर दिया होगा, या वचन दे रखा होगा, या आंशिक भुगतान कर रखा होगा, आंशिक भुगतान का वचन दे रखा होगा, या EMI ऑप्शन से उस वस्तु को खरीद रखा होगा, तो वो सारी कंडीशंस वही है वहां पर कुछ। तो हम इसको उपभोक्ता कहते हैं, माल खरीदने के लिए या सेवाओं के लिए। यहाँ पर भी वही बात आती है कि अगर आपने व्यापार करने के लिए उस सेवा का यूज किया है, तो फिर वो आप उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, जिसको आपको याद रखना है। चलिए, अब उपभोक्ता पढ़ लिया, तो अब उपभोक्ता संरक्षण पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन कैसे मिलती है कंज्यूमर को? तो स्वतंत्र बाजार में, अर्थव्यवस्था में, इस समय जो है उपभोक्ता बादशाह है। आज की जो कंडीशन है उसमें उपभोक्ता को सेंटर पॉइंट पर रखकर चीजें की जा रही हैं। इस समय बादशाह कौन है मार्केट का, बाजार का? उपभोक्ता। पहले के जमाने में क्या होता था कि क्रेता स्वयं चौकन्ना रहे, ये सिद्धांत लागू होता था।
उसको विक्रेता कुछ नहीं बताएगा, क्रेता को अपने आप रखना है जागृत अपने आप को, जिससे उसे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। पर वर्तमान समय में क्योंकि उपभोक्ता बादशाह है, तो इसलिए विक्रेता सावधान रहे, मतलब कि विक्रेता ये समझे जाने कि अब कंज्यूमर सब जानते हैं, माल की गुणवत्ता को भी जानते हैं, माल के मतलब किसी भी वस्तु के मूल्य को भी वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अपने अधिकारों को भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस समय का कंज्यूमर ज्यादा अवेयर है, तो इसलिए अब सावधान किसको रहना है, विक्रेता को। पहले किसको रहना था, क्रेता को। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, 1986 में ये बना था अधिनियम। यह अधिनियम उपभोक्ता के जो हित हैं, मतलब कि उसके साथ कुछ गलत ना हो, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी शिकायतों को शीघ्र और बिना किसी व्यय के निवारण उनका उनको मतलब उनकी उनको सुलझाया जा सके, उसके संरक्षण और प्रवर्तन की व्याख्या करता है। ठीक है, तो उसकी शिकायतों को समय पर सुना जा सके और उनके अनुसार उसको जो भी रेमेडीज है, जो भी उपचार है वो दिया जा सके, ये अधिनियम ये बताता है। यह अधिनियम उपभोक्ता को शक्ति ये देता है, उसको अधिकार देता है कि वो अपने हितों की रक्षा कर सके। तो कुछ अधिकार भी इस अधिनियम ने एक उपभोक्ता को दिए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से अधिकार हैं। वो आगे पढ़ते हैं अब कि उपभोक्ता संरक्षण का महत्व क्यों है, क्यों जरूरी है उपभोक्ता को संरक्षित रखना। तो सबसे पहले उपभोक्ताओं के अनुसार अगर हम सोचें तो उपभोक्ता संरक्षण का महत्व इसलिए है क्योंकि उपभोक्ता अज्ञानी है, उसे सारी चीजें नहीं पता अब तक, इसीलिए अब उसको जागरूक किया जा रहा है कि वो जाने हर चीज को। दूसरा है उपभोक्ता असंगठित हैं, वो सब एक जगह नहीं है, कोई संगठन नहीं है उनका, तो सब फैले हुए हैं अलग अलग क्षेत्र के अंदर, तो इसलिए भी उनको संरक्षण देना जरूरी है। तीसरा है कि विक्रेता उनका शोषण करते हैं, चाहे मूल्य अधिक लेकर करें, चाहे मिलावटी सामान बेचकर करें, चाहे घटिया वस्तु को बेचकर करें, तो जिस भी प्रकार से शोषण किया जा सकता है, ग्राहकों का शोषण विक्रेताओं ने किया है, तो इसलिए उपभोक्ता को संरक्षण देना जरूरी हो जाता है। आज के समय में क्योंकि उपभोक्ता ही बादशाह है, किंग है, तो अगर व्यवसाय के दृष्टिकोण से समझें तो उपभोक्ता को संरक्षण देना व्यवसाय के लिए भी जरूरी है। अगर वो अपने व्यवसाय को दीर्घ अवधि तक चलाने चाहता है तो उसको उपभोक्ता को उसके संरक्षित करना पड़ेगा, उसे सही वस्तु मूल्य पर वस्तु बेचनी पड़ेगी, बिना मिलावट के वस्तु को बेचना पड़ेगा, उचित क्या कहते हैं मूल्य पर बेचेगा, साथ ही उचित स्थान पर उसको प्रोवाइड करेगा और क्वांटिटी में भी धोखाधड़ी नहीं करेगा कि 100 ग्राम में 80 ग्राम दे दे। तो जितने भी प्रकार के जो शोषण है वो ना करे अगर वो अपने लंबे समय तक व्यवसाय को चलाना चाहता है। दूसरा है कि व्यवसाय समाज के संसाधनों का उपयोग करके ही करते हैं, अब वो संसाधन चाहे मानव हो, भाई जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं वो सब कहाँ से आए हैं, समाज में से ही, जो सामान आ रहा है वो भी कहाँ से आ रहा है, सामान में से ही, समाज में से ही, तो हर चीज बेचेंगे भी कहाँ, समाज के अंदर, तो वो समाज के संसाधनों का ही यूज कर कर काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको उस समाज को संरक्षित करना भी जरूरी है। फिर ये उसका सामाजिक उत्तरदायित्व भी बनता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आज के समय में कर गवर्नमेंट बहुत जोर शोर से बढ़ावे से पूरा करवाने की कोशिश कर रही है। नैतिकता भी है उनकी, क्योंकि नैतिक मूल्य हमें सिखाते हैं कि हम किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी अपने ग्राहकों के साथ ना करें, ये नैतिकता हमें कहती है। फिर आया कि इसमें व्यवसाय के कार्यों को संचालन में सरकारी हस्तक्षेप से बचने के लिए भी, क्योंकि सरकार के हस्तक्षेप हैं, अगर वो उनको पूरा नहीं करेंगे तो सरकार बीच में आएगी, देखेगी, जांचेगी, परखेगी, तो दिक्कतें होंगी व्यवसाय के लिए, इसलिए सरकारी नियमों का पालन करने के लिए भी उपभोक्ता को संरक्षित करना आज के समय में बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए जरूरी हो गया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं कि उपभोक्ता को कौन कौन से कानूनी संरक्षण प्राप्त हैं। तो हमारे देश में विभिन्न कानूनी संरक्षण एक उपभोक्ता को प्राप्त है। तो जो भारतीय कानूनी ढांचा है उसमें उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, जिनका
उपयोग एक उपभोक्ता कर सकता है, जिसको हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट प्रसंविद्या को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो जब हम किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड भी एक अधिनियम है। फिर आया कि वस्तु विक्रय अधिनियम, माल को कैसे बेचा जाए, कम जैसे भी जो भी मात्रा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो वस्तु विक्रय अधिनियम भी है। फिर है आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो जो जरूरी वस्तुएं हैं उनके प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो लोग उनसे ज़्यादा ना बेचे उसके लिए भी नियम बना हुआ है। कृषि के उत्पादों के लिए भी नियम है, जिनको श्रेणीकरण श्रेणीकृत किया हुआ है, चिन्हांकन किया हुआ है, 1936-7 का ये नियम है। फिर है कि खाद मिलावट अधिनियम, मिलावट ना की जा सके उससे ग्राहक को संरक्षित करने के लिए नियम बनाया हुआ है। भार और माप से भी है कि उनके साथ वजन में कोई गड़बड़ ना हो, तो उसका भी अधिनियम है। ट्रेडमार्क का भी है कि गलत उसका उपयोग ना किया जा सके, तो उसके लिए भी, मतलब ग्राहक को सूचना जो मिलनी चाहिए वो सही मिलनी चाहिए हर तरीके से, तो बड़े सारे जो अधिनियम है वो बनाए गए हैं। प्रतियोगिता अधिनियम है कि कंपटीशन के चक्कर में माल की क्वालिटी को डाउन ना कर दे, ठीक है। तो जो भी नियम प्रतियोगिता अधिनियम के अनुसार हैं वो भी लागू होते हैं उपभोक्ता को संरक्षण देने में। और फिर भारत मानक ब्यूरो है जिसने मानक सेट कर रखे हैं, कुछ मार्क्स हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करना पड़ता है। कोई अगर बिजली वाले हैं तो ISI मार्क से लेस होनी चाहिए वो वस्तु, उस पर वो चिन्ह होना चाहिए। अगर खाने की चीज़ें हों तो FPO है वो मार्क होना चाहिए। ऐसे ही जो सोने की वस्तुएं हैं उन पे होल मार्क होना चाहिए। तो ये कुछ मानक ब्यूरो के अधिनियम है जिनके थ्रू चीज़ों को पहले टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करने के बाद वो सही मानकों पर उतरती हैं, खरा उतरती हैं, तो उनको फिर परमिशन दी जाती है कि आप इन गुड्स को बेच सकते हो। तो ये कुछ कानूनी संरक्षण प्राप्त है उपभोक्ता को। अब वही उपभोक्ता के लिए सबसे जरूरी जो है वो अधिकार है। तो उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। कुल मिलकर 6 अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत दिए गए हैं। पहला जो अधिकार है वो है सुरक्षा का अधिकार। उनकी हेल्थ पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, उनकी जो स्वास्थ्य है उस पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, उसके लिए सुरक्षा का अधिकार है। तो वस्तु को यूज करते समय किसी भी प्रकार की जो शारीरिक या मानसिक हानि है वो कस्टमर को ना पहुंचे, उसके लिए अधिकार है उसके पास कि वो टेस्टेड वस्तुओं का यूज करे, उससे उसके स्वास्थ्य पर कैसा भी नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। दूसरा है सूचना का अधिकार। तो ये आपने देखा होगा जो हमने लेबलिंग पढ़ा था, जिसको हम लेबल कहते हैं। लेबल का मतलब पता ही है अब आपको, जिस पर सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है प्रोडक्ट के बारे में, कि कब वो मैन्युफैक्चर हुआ था, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, ठीक है, कब कितने उसका मूल्य है, क्या क्या मिलकर वो बना है, कौन इसको प्रयोग में ला सकता है, कब ला सकता है, कौन नहीं ला सकता है, सारी डिटेल उसके ऊपर लिखित रूप में होती है, कैसे वो बना है। तो ये सूचना जानने का अधिकार कंज्यूमर के पास है, इसीलिए लेबल पर ये इंफॉर्मेशन दी जाने लगी। तो सूचना का अधिकार उसके पास है। फिर चयन का अधिकार है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन आजकल बहुत है, तो उन प्रोडक्ट में से वो अपने आप चयन कर सके, विक्रयकर्ता उसको किसी भी रूप में बाध्य ना करे, इसके लिए चयन का अधिकार का उपयोग किया जाता है। इसीलिए आप देखते हो मॉल में जो वस्तुएं रखी जाती हैं वो ओपनली लगा दी जाती हैं, आप अपने हिसाब से ढूंढ कर सेलेक्ट करो और अपने हिसाब से प्रोडक्ट को लो, तो इन्फ्लुएंस किसी भी टाइप का नहीं होता। चौथा आता है शिकायत। अगर कुछ गलत हो जाए तो शिकायत का भी अधिकार है कि भाई मैं शिकायत कर पाऊँ, तो आप पढ़ोगे 3 लेवल पर वो शिकायत कर सकता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, शिकायत का अधिकार उसके पास है। फिर शिकायत कर दी तो शिकायत का निवारण भी होना चाहिए, उसका हल भी निकलना चाहिए, तो वो भी अधिकार उसके पास प्राप्त है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के निवारण सरकार द्वारा उनको दिए गए हैं। फिर उपभोक्ता को शिक्षित किया जाए, उसे समझाया जाए कि भाई तुम्हारे क्या अधिकार हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि उपभोक्ता जो है जागरूक नहीं है, उपभोक्ता जो है गंभीर नहीं है, उपभोक्ता को हर चीज के बारे में नहीं पता, ना वो जानना भी चाहता। इसीलिए धीरे धीरे जागो ग्राहक जागो जैसी जो कुछ एड्स थी जिसके थ्रू
ग्राहकों को जगाया गया कि भाई ये तुम्हारे अधिकार है, इनका उपयोग करो, ठीक है। तो शिक्षा उनको देना, उनकी ट्रेनिंग करना सो दैट वो अपने अधिकारों का उपयुक्त ढंग से प्रयोग कर सके, ये भी अधिकार उनको प्राप्त है। अधिकार जहाँ होते हैं आपको पता है कि वहां पर दायित्व भी होते हैं, उत्तरदायित्व। तो उपभोक्ता के कौन कौन से दायित्व हैं वो पढ़ते हैं। तो क्रय विक्रय और उपभोग के समय जब वो खरीदे यूज करे, ठीक है, तो उपभोक्ता को कुछ अपने दायित्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो वो दायित्व कौन कौन से हैं कि बाजार में जितनी वस्तुएं हो या सेवाएं उपलब्ध हैं उन सब के बारे में हर प्रकार की जानकारी उसको होना चाहिए, और वो जो चुनाव करे, चुनने का जो अधिकार उसके पास है उसका बुद्धिमत्ता से पूरा प्रयोग करे। इन वाली बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन चीन को देख कर, गुणवत्ता को जांच कर ही वस्तु को खरीदे, ये भी उसका अधिकार है। ऐसी कोई वस्तु ना खरीदे जिनके ऊपर ये जो चिन्ह है, मानक चिन्ह जो है वो ना लगा हो। तो डी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ना खरीदे, पर्यावरण को सुरक्षित रख सके, कूड़ा कचरा ना फैलाए, प्रदूषण किसी भी प्रकार का ना फैलाए, ये भी उसका दायित्व बनता है। फिर है कि वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए नगद प्राप्ति रसीद ले, बिल ले। बिल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिल नहीं लोगे तो आप शिकायत करने के अधिकारी नहीं हो। बिल इसीलिए बहुत जरूरी है। तो एक जिम्मेदार ग्राहक वो होता है इसको जब भी कोई वस्तु खरीदे तो उसका बिल प्राप्त करे, चाहे उसे कंप्लेंट करने की नौबत आए चाहे ना आए, वो बिल जरूर ले। यह सुनिश्चित करने के लिए आपके साथ सही व्यवहार हो, अपनी दृढ़ता का परिचय दें, मतलब कि आप कोई भी गलत काम ना करें, इलीगल वस्तुएं ना खरीदें, जो सही वस्तु है उसी का चयन करें, बिल लेकर उस वस्तु को खरीदें, तो आप किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य में ना लगे। लेन देन में ईमानदारी बरते, क्रय की गई वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता अगर कम है तो उसको उपभोक्ता फोरम में उसकी शिकायत जरूर दर्ज करें। ये भी एक दायित्व बनता है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं उसकी कंप्लेंट भी करूं। तो ये कुछ दायित्व हैं जो उपभोक्ता के होते हैं, जिनको उपभोक्ता को पूरा करना चाहिए अधिकारों को यूज करते हुए। अब आता है टॉपिक कि उपभोक्ता संरक्षण किस प्रकार दिया जाए, क्या क्या माध्यम है उसका। तो आप देखोगे कि उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य को पाने के लिए ये निम्न तरीके हैं जिसके द्वारा हम उपभोक्ता को संरक्षित कर सकते हैं। एक तो है व्यवसाय का स्वयं नियमन। आज के समय में आप देखते हो तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस सबने बना रखी है। कस्टमर की जो भी कंप्लेंट होती है आज के टाइम में सबने अपनी इस कस्टमर सपोर्ट सर्विस के थ्रू उनका निवारण करने की हर जो भी एक व्यवसाय है वो पूरी कोशिश करता है। तो ये होता है स्वयं नियमन, अपने ऊपर खुद नियम पालन करे और उपभोक्ता को संरक्षित कर सके। फिर व्यवसाय के कुछ संगठन भी हैं जिन्होंने नियम कानून बना रखे हैं, जिनको उन व्यवसाय को जो उसके अंदर संगठित हैं, उसमें पंजीकृत हैं, उनको मानना ही पड़ता है। ऐसे संगठन हैं जैसे भारतीय वाणिज्य और औद्योगिक महासंघ, जिसको FICCI कहा जाता है, और भारतीय उद्योगों का संगठन जिसको CII कहा गया है। तो इन्होंने अपने कुछ मानक नियम बना रखे हैं जिनको हर व्यवसाय को पालन करना पड़ता है। उपभोक्ता को जागरूक बनाए, वो अभी जैसे हमने बता ही रहा था अधिकार है, तो उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाया जाए हर प्रकार से, अपने दायित्व को निभाने के लिए भी और अपने अधिकारों को यूज करने के लिए भी। फिर आया कि उपभोक्ता संगठन का निर्माण किया जाए, लोगों को संगठित किया जाए, और संगठित होकर वो अगर विक्रेता गलत है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़े। सरकार अपने नियम पालन करवाती है, विभिन्न प्रकार के नियम सरकार ने बना रखे हैं, तो सरकार का अपना एक रोल है उपभोक्ता को संरक्षित करने के लिए। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कि कौन शिकायत कर सकता है। मतलब कि हमें ये तो पता चल गया कि भाई ये है उपभोक्ता कौन होता है, ये हमने समझ लिया। अब उपभोक्ता सिर्फ खुद ही शिकायत कर सकता है, उसके लिए कोई और भी शिकायत कर सकता है, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो शिकायत कर सकते हैं। वो एक तो उपभोक्ता स्वयं है, वो खुद शिकायत दर्ज करवा सकता है, उसे किसी व्यक्ति की किसी की जरूरत उसको नहीं है। या जो पंजीकृत उपभोक्ता हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है जो हमने पढ़ा, वो एसोसिएशन भी कंज्यूमर के लिए क्या कर सकती है, शिकायत कर सकती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार भी वो शिकायत कर सकती है। अनेक समान हित रखने वाले उपभोक्ता
की ओर से या तो कोई एक या एक से अधिक उपभोक्ता भी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि हजारों लोगों को एक जैसी प्रॉब्लम हुई है, तो उन हजारों में से कोई एक या एक से अधिक लोग मिलकर भी सब लोगों के लिए शिकायत कर सकते हैं। फिर जो मृतक उपभोक्ता है उसका कानूनी उत्तराधिकारी या उसका प्रतिनिधि भी शिकायत कर सकता है अगर किसी के साथ ऐसी अनहोनी हो गई है तो। ये कुछ लोग थे जो शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक अब हमारा बनता है वो बनता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी निवारण एजेंसी कहाँ जाकर कंप्लेंट करें। ये तो पढ़ लिया कि कौन शिकायत कर सकता है, अब कहाँ करें ये भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमें ये बताता है कि तीन स्तरीय हमने एक शिकायत की व्यवस्था बना रखी है, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। तो ये तीन स्तरीय व्यवस्था का प्रावधान है जिसको हम जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग कहते हैं। इस अधिनियम द्वारा उपभोक्ता को कई प्रकार की राहतें दी जाती हैं। वो राहतें क्या हैं ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे है कि अगर किसी वस्तु में कोई दोष है, कोई खराबी है, तो उसको दूर किया जाए या तो कंपनी के द्वारा, या उसे कोई नया उत्पाद प्रदान किया जाए जिसमें कोई दोष ना हो, ठीक है, या वस्तु के मूल्य के बराबर उसको लौटाने के आदेश दिए जा सके। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो उपचार हैं, राहत हैं, वो इस अधिनियम के माध्यम से उपभोक्ता को दिए जाते हैं। अब ये जो ये तीन स्तरीय है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद निवारण एजेंसियां कैसे काम करती हैं वो हम सीखेंगे। शुरुआत जो होती है हमारे जिला फोरम से होती है। जिला फोरम के ऊपर जो होती है वो राज्य कमीशन होता है, राज्य आयोग होता है। राज्य आयोग के ऊपर जो होता है वो राष्ट्रीय आयोग होता है, और राष्ट्रीय आयोग से भी ऊपर अगर कोई होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय होता है। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपने उपभोक्ता को संरक्षित या संरक्षण प्रदान करते हैं। अभी कैसे काम करता है ये हम इस टेबल के माध्यम से सीखेंगे। टेबल में आधार लेंगे, जिले का मतलब है जिला फोरम हर जिले में बनी हुई है। एक राज्य कमीशन है जो हमने पढ़ा, वो 36 हैं टोटल, स्टेट कितनी ही हो, टोटल राज्य कमीशन जो है हमारे पास वो 36 हैं। और फिर राष्ट्रीय कमीशन है जो एक होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपको ऑलरेडी पता ही है कि वो एक होता है। सबसे पहले ये जो ये फोरम होते हैं या कमीशन होते हैं इनके सदस्य कौन होंगे, तो हर जिला फोरम में एक प्रधान होगा, एक प्रेसिडेंट होगा और दो सदस्य होंगे, और उन दो सदस्यों में से एक का महिला होना अनिवार्य है। राज्य कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट होगा, दो सदस्य होंगे और उनमें से एक का महिला होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय कमीशन में थोड़ा चेंज हो जाता है, प्रेसिडेंट तो एक ही रहता है, प्रधान एक ही रहता है, पर सदस्य चार हो जाते हैं, उन सदस्यों में से भी एक का महिला होना अनिवार्य है। ये तो उनका जो प्रारूप है कैसे बनता है वो हो गया। अब आया कौन उनको नियुक्ति देगा, इन लोगों को नियुक्ति कौन देगा। तो जिला फोरम में राज्य सरकार देती है, राज्य कमीशन में भी राज्य सरकार देती है, पर राष्ट्रीय कमीशन में केंद्र सरकार देती है। फिर आया कि लोग कहाँ कंप्लेंट करें। तीन स्तर तो बना दिए, मुझे कैसे पता चले कि मैं कहाँ जाकर कंप्लेंट करूँ। तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं कंप्लेंट कहाँ करूँ। तो कंप्लेंट के लिए राशि के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। अगर हमारी हानि, जो भी हमें नुकसान हुआ है, अगर उसकी क्षतिपूर्ति की जो राशि है अगर वो 20 लाख से कम है तो हम जिला में जाएंगे, जिला फोरम में जाएंगे। पहले सबसे पहले हमें यहाँ अपील करनी पड़ेगी। अगर हमारी क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो फिर हमें राज्य कमीशन के अंतर्गत जाना है, और अगर हमारी क्षतिपूर्ति की राशि 1 करोड़ से अधिक है तो हमें सीधा राष्ट्रीय कमीशन में जाना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उपभोक्ता इनमें से तीन जगह में से कहाँ जाकर अपनी शिकायत कर सकता है। अब शिकायत करने के बाद जब ये जो फोरम्स हैं या कमीशन्स हैं, जब ये काम करती हैं, आयोग काम करते हैं, तो ये दोनों पक्षों को सुनते हैं, लैब टेस्टिंग वगैरह कराते हैं, सारे साक्ष्यों को समझते हैं। साक्ष्यों को समझने के बाद एक डिसीजन देते हैं, निर्णय देते हैं। निर्णय दोनों के फेवर में भी हो सकता है, उपभोक्ता के भी और विक्रयकर्ता के भी, और दोनों के अगेंस्ट भी हो सकता है। तो अगर कोई भी उस निर्णय से जो इन्होंने दिए हैं अगर उनसे सेटिस्फाई ना हो तो क्या वो कहीं आगे जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। तो कितने दिन में जा सकता है उसकी डिटेल मैं आपको यहाँ देता हूँ। जो भी पीड़ित है, मतलब कि जो सेटिस्फाई नहीं है, पीड़ित का मतलब वही हुआ, 30 दिन के अंतर्गत जब वो निर्णय हो गया वो राज्य कमीशन मतलब कि अगले लेवल पर जाकर कंप्लेंट कर सकता है।
यहां से भी खुश नहीं होगा तो वो इससे अगले लेवल पर भी जा सकता है, यहाँ के बाद जिला वाला नहीं जा सकता, ये आपको समझना। ऐसे जहां पर डायरेक्ट यहां पर कंप्लेंट हुई हो राज्य स्तर पर, मतलब कि 20 से 1 करोड़ के बीच का अगर मेरा नुकसान है तो मैं 30 दिन के अंदर अंतर्गत कहां जाऊंगा, राष्ट्रीय कमीशन में। तो मैं राष्ट्रीय कमीशन में विद इन 30 डेज अप्लाई कर सकता हूं। और अगर किसने सीधा यहीं पर ही किया हो तो वो पीड़ित पक्षकार भी निर्णय के 30 दिन के अंतर्गत अंदर अंदर उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट कर सकता है। पर उच्चतम न्यायालय में केवल वो ही जाएगा जिसकी क्षतिपूर्ति का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का हो, बाकी कोई वहां नहीं जा सकता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो जिला वाला है वो मैक्सिमम राष्ट्रीय स्तर तक जा सकता है, राज्य वाला भी मैक्सिमम राष्ट्रीय स्तर तक ही जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर जिसने अप्लाई किया है वो जरूर उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ये था इनका, ये तीनों जो स्तर हैं जो उपभोक्ता को संरक्षण दे रहे हैं वो किस रूप में काम करते हैं। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगले टॉपिक है हमारा उपभोक्ता संगठन और गैर सरकारी संगठन, जिनको हम एनजीओस कहते हैं। तो ये किस रूप में काम करते हैं, ये उपभोक्ता को कैसे संरक्षण, उनके हितों की कैसे रक्षा करते हैं, ये अपना सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो कौन कौन से एनजीओ हैं ऐसे, तो जैसे मुंबई ग्राहक पंचायत एक एनजीओ है या उपभोक्ता संगठन है, उपभोक्ता कर्नाटक उपभोक्ता सेवा समिति जो बेंगलोर में स्थित है ये एक ऐसा संगठन है, उपभोक्ता संगठन कलकत्ता का भी है, उपभोक्ता समन्वय परिषद दिल्ली में स्थापित है और कॉमन कोज ये भी दिल्ली में स्थापित है। तो ये कुछ नाम हैं, कुछ संगठन हैं, कुछ एनजीओ हैं जो उपभोक्ता के लिए उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और अपनी जो भी सेवाएं हैं वो उपभोक्ता को देते हैं, जैसे केस उनके लिए फाइल करना, उनको शिक्षित करना, उनके लिए टेस्टिंग करना, तो ये बहुत सारे काम करते हैं। वो कौन कौन से कार्य हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उपभोक्ता संगठन और गैर संघर्ष सरकारी संगठन क्या काम करती है वो हम देखते हैं। तो वो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है जिससे उपभोक्ता प्रशिक्षित हो सके, सेमिनार बना चालू ऑर्गेनाइज करती है, कार्यशालाएं बनाती है चलाती है। तो इनका आयोजन किया जाता है कंज्यूमर को या कंज्यूमर उपभोक्ता को शिक्षित करने के लिए। दूसरा है कि उपभोक्ता की समस्या को समझना, कानूनी रिपोर्ट उनको देना, राहत और हितों के कार्यों के संबंध में उपभोक्ता को ज्ञान प्रदान करना, इन सब के लिए पाक्षिक का मतलब है जो 15 दिन के अंतर्गत या कोई और प्रकाशन जिसके थ्रू इनको जो है उपभोक्ता को जानकारी मिले, ये प्रकाशित करना भी ये काम करते हैं इनका। जो प्रतियोगी ब्रांड है उसके गुणों के तुलनात्मक जांच के लिए ये प्रमाणित प्रयोगशाला में उपभोक्ता उत्पादों की जांच भी कराती हैं, सो दैट कंपटीशन के चक्कर में घटिया वस्तु ग्राहकों तक ना पहुंचे। तो ये लेबोरेटरी टेस्टिंग भी करती हैं, बेईमान शोषणकर्ता और अनुचित व्यापारिक क्रियाएं करने वाले विक्रेताओं का प्रतिवाद करना, मतलब कि उनके अगेंस्ट बोलना, उनके खिलाफ कंप्लेंट करना, शिकायत करना, ये काम भी ये करती हैं। उपभोक्ता को जागरूक करती हैं कि वो उनके साथ जो गलत हुआ है उसके लिए कार्यवाही करे और खुद मिलकर उनके साथ वो कार्यवाही ये करती हैं। उनको विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं, कानूनी सलाह उनको देते हैं, सो दैट उपभोक्ता को कानूनी सहायता प्रदान की जा सके और वो शिकायत समय पर कर सके। तो ये उपभोक्ता संगठन के कार्य थे, और चाहे वो एनजीओ के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, ये विभिन्न प्रकार के कार्य वो उपभोक्ता को दे रहे हैं जिससे उपभोक्ता संरक्षित रह सके। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण, इतना ही था। ये आपको मैंने बताया है 3 से 5 नंबर कहीं पर भी आ सकता है, छोटा टॉपिक है तो थोड़ा विशेष ध्यान से पढ़िए। अधिकार उत्तरदायित्व 3 स्तरीय जो ये लेवल है उसको पढ़ना, क्या उनको उपचार उपलब्ध हैं उनको पढ़ना, यही क्वेश्चन बनते हैं। आप इनको अगर पढ़ोगे तो आप जरूर अच्छे नंबरों के साथ पास होगे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और आपकी मेहनत मिलकर हमें 95% नंबर प्रदान जरूर कराएंगे। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास समय पर वीडियो पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।